हेलो गाइस, तो ये देखिए, ये हमारे कुछ जोड़े वाले कबूतर हैं और इनमें कुछ बच्चे भी हैं। ये बच्चे थोड़े ढीले से हो रहे थे गर्मी के कारण, तो इनकी मैंने पूंछ काट दी है। ये देखिए कुछ अंदर हैं, ये देखो लड़ रहे हैं, और कुछ ये रहे इधर। इनको अभी मैं बुलाता हूँ इधर से। ये देखिए, देख आ आ आ आ क्या आगे देखो, ये सारे आ आ मेरे देखे। वो भाई साहब बहुत देर से लड़ ही रहे अंदर, यहाँ पे लड़ रहे हैं। ये देखिए शौक कीजिए कबूतरों को। एक सफ़ेद आँख की मादी ने, ये उसी किनारे से अंदर लड़ रहा है। एक ये हमारे घर की पट है, तो गर्मी पड़ रही है और इस टाइम दाने में हम इनको कुछ डाइट वगैरह चलाई नहीं है इनकी, तो नॉर्मली गेहूँ और चावल मिक्स है। ये देखिए गेहूँ है, इसमें थोड़ा बहुत चावल मिक्स है, बस हम यही खिला रहे हैं तो फिलहाल इन्हें। और आप भी गेहूँ वगैरह गर्मी में खिला सकते हो कबूतरों को। ये देखिए इनमें से कुछ बच्चे अभी हमें छतरी पे भी लगाने हैं। देखो एक ये वाइट आपको दिख रहा हो, ये वाला, ये है एक, ये है। ये बच्चे भी थोड़े छोटे हैं तो उनको हम छतरी पे लगाएंगे, तो उसकी वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए क्या हमारा ये घर का पट्टा है, ये घर का पट्टा है हमारा, और इसकी भी जोड़ इसने खुद ही ले ली। ये बहन भाई का जोड़ा इनका लग गया, ये है इसका भी ऐसी की जो है जोड़ा से लग गया। अब देखो बच्चे कैसे निकलते, वैसे मैं ऐसे बच्चे ऐसा जोड़ा डालता नहीं, लेकिन इसने अपने आप लिया था। मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं कि भाई कैसे बच्चे निकलते हैं। और ये एक दो जोड़े और नए लगाए थे, तो उनके भी अंडे वंडे नहीं मिले। एक तो जो अंडे कुछ अंडे रखे भी थे तो मैंने फेंक दिए गर्मी के कारण, और दूसरा मैं जो है बहुत जल्द अपना सेटअप जो है मतलब जो ब्रीडिंग सेटअप है उसको दोबारा बनाने वाला हूँ दूसरे तरीके से बढ़िया करके, तो उसकी वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और लो कॉस्ट जो होता है बिल्कुल और बेस्ट चीज़ उसके ऊपर आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक माह दिन देखिए बहुत शुक्रिया। इधर उधर हमारा खरगोश रखे हुए हैं, ये देखिए ये रहे। तो शौक कीजिए कबूतरों को। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।